आप सभी लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। जो गणतंत्र में ने ये जो हमारे संविधान ने हम लोगों को सीख दी है, हम लोगों के इससे अपेक्षा की है, हम सब लोग उसी तर्ज पर काम करें, यही मेरी सभी से अपेक्षा है। तुझे त्रिभुवन कुर्रे की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तरवरपुर से प्राथमिक स्कूल के प्राचार्य विजय कुर्रे की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर है मुंगेली जिले का, जहां पर एक महिला स्वसहायता समूह के अध्यक्ष के द्वारा अलग अलग मदों पर समूह की महिलाओं से पैसे की लंबी उगाही कर फरार हो गई है। महिलाओं द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने की कोशिश भी की गई, परंतु शिकायत दर्ज नहीं होने पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने शासन प्रशासन सहित सरकार द्वारा अनेकों प्रावधान बनाए गए हैं, जिसके प्रसाद पर्यंत कई महिला स्वसहायता समूह राज्य सहित जिले में संचालित हैं और जिनके माध्यम से महिलाएं स्वावलंबी व सक्षम हो रही हैं। परंतु मुंगेली जिले के सारदा स्वसहायता समूह के अध्यक्ष विनीता जोगी द्वारा महिलाओं को भरोसे में लेकर 3 वर्षों तक अलग अलग मदों से पैसे लिया गया और जब सारदा स्वसहायता समूह में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई, तब सबका पैसा लेकर दृष्टि ओझल हो गई, जिसको लेकर सारदा स्वसहायता समूह की महिलाएं काफी परेशान है। ये स्वतंत्रता समूह शारदा ग्रुप से हैं सब मेंबर, इसमें 40-50 मेंबर हैं, जिसमें विनीता जोगी अध्यक्ष बनी थी और ये सब अलग अलग बैंकों से सब मेंबर का लोन लेके भाग चुकी है परसों से और उसका कुछ पता नहीं है। और यहाँ हम लोग थाने में 2 बार गए हैं कार्रवाई करने, वहाँ को कार्रवाई नहीं कर रहे, हम लोग को 4-4, 5-5 घंटा बैठा के रखे थे, इसलिए हम लोग कलेक्टर में गए आए हैं और SP में भी जाएंगे और न्यायालय तक भी हम लोग जाएंगे जहाँ हम लोग को न्याय मिले। कितने पैसे ठगे, कितने लोगों को? कम से कम 50-60 लाख है सब मेंबर के मिला के और 4-5 बैंक का एक साथ। किस तरह से ये पूरे मेंबर लोग को, मतलब खुद बोलती थी कि मतलब भरवा लो, मैं पटाऊंगी और जो भी बनेगा मैं दूंगी, और भागवत करवाने के नाम से मेन सबको मतलब धोखा दी है और सब मेंबर दे दिए हैं और महामाई की पुजेरी है, सोनार पारा की रहने वाली है। अभी बैंक से आप लोगों के पास पैसा जमा के लिए किसी के लिए आ रहे हैं? हाँ सर, लोग पूरा सर आशीर्वाद हिसाब बंधन सब सर आके हम लोग को परेशान करें, किस्ती जमा करो, किस्ती जमा करो कह के। और कोई बताइए कि SP के पास आए थे हम लोग, 50-60 महिला हम लोग हैं जिनको ठगा गया, सारे कागजात हमारे लगे हैं, लोन लिया गया, लोन ले गया। ब्लैंक चेक भी दिए हैं जी, ब्लैंक चेक उनके द्वारा दिया गया था हम लोगों को कि कुछ बैंकों में हम लोग लगाए थे जो कि बाउंस हो चुका है और हम लोग के पास तगादे आ रहे हैं कि हमारे पास पैसे पटाओ करके, और सारी फॉर्मेलिटी हम लोग की लगी हुई है और इसके नाम से हम लोग ठग का शिकार बने हुए हैं। किसी संस्था के नाम से चला रहे थे ये? जी बंधन बैंक में चल रहा था मोती समूह से, मोती ग्रुप करके, और हिसाब बैंक से चल रहा था शारदा समूह, आशीर्वाद से भी चल रहा है, कई बैंकों से, माइक्रो फाइनेंस सेटिंग बैंक है और भी बैंक है। किस तरह बहलाया गया आप लोगों को? भागवत, सबसे पहला काम तो उनका ये था कि भागवत, मेरे को भागवत करवाना है और मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, और सबको पर्सनली जा के घर में मैनिपुलेट किया गया है कि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाथ पर जोड़ा गया है, मुझे दे दो, मेरी सहायता करो, हम लोग सिर्फ प्रेम व्यवहार में उससे मतलब पैसा उसको दिए थे। सबके पास से अलग अलग है, 80 लेडीज़ हैं हम लोग के पास, जितने भी 2 समूह अलग अलग हैं हमारे, उसमें 80 लेडीज़ हैं जिनके पास हर किसी से अलग अलग पर्सनल लोन के रूप में अलग लिया गया है और नगद राशि अलग ली गई है। सोनल सोनी सर, ऐसी बात नहीं है। कितना पैसा गया मेरा? सबका अलग, सबका अलग अलग है सर, मेरा तो कैश भी बहुत सारा है सर, लगभग 2 लाख के करीब है कैश पर बैंक। मेरा पर्सनल यानी मेरा व्यक्तिगत 2 लाख रुपया है और वैसे ही 70-80 लोगों को व्यवहार में दी हूँ मैं, सिर्फ व्यवहार में है करके। ठीक है, बताएंगे किस तरह ठगी शिकार?
जी वो आई, सबसे पहले तो मेरे पास आई, बोली मेरे को भागवत करवाना है तो मेरे, और एक मुश्त नहीं दी हूँ मैं, किस्त में ही दी हूँ उसको पैसा को, क्योंकि एक मुश्त मेरे पास नहीं। मैं बोली ठीक है भाई, हेल्प कर देती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोली कि मतलब पैसे को मैं एक मुश्त। आपको बता दें, शारदा स्व सहायता समूह विगत 3 वर्षों से जिले में संचालित है, जिसकी अध्यक्ष विनीता जोगी और इस संगठन में 40 से 60 महिला सदस्य है, जो संगठन को मजबूती देने के लिए अपने अपने घरों से कुछ कुछ रकम अध्यक्ष के पास जमा करवाया गया था, और जिस भी सदस्य को उन पैसों की आवश्यकता होती थी उन पैसों को लेकर अपना काम कर लेते थे। परंतु इसी का भरोसा और फायदा उठाकर अध्यक्ष विनीता जोगी द्वारा 40 से 50 महिलाओं से पूजा पाठ करवाने, भागवत करवाने जैसे कामों में पैसे मांगकर भारी धनराशि का आहरण किया गया और अचानक जिला छोड़कर गायब हो गई। जब शारदा स्व सहायता समूह की महिलाओं को विनीता जोगी के गायब होने की जानकारी हुई, तब यह बात सामने आई कि उन्होंने थोड़ी बहुत धनराशि नहीं अपितु 60 लाख के आसपास की रकम लेकर जिले से उड़न छू हो गई हैं। महिलाओं ने एक दूसरे से जानकारी मांगा तो पता चला विनीता जोगी द्वारा भागवत करवाने व बड़े पूजा पाठ करवाने के नाम से अलग अलग महिलाओं से 1.5 लाख रुपए तक की धनराशि वसूली गई थी। वापस करने के नाम से कईयों को ब्लैंक चेक तक उन्होंने दिया था और स्टाम्प में साइन भी किया था। परंतु इन सब के बावजूद भी इतनी भारी रकम की उगाही कर विनीता जोगी अचानक से संगठन व जिला छोड़ गायब हो गई है। शारदा स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा इस बात की शिकायत करने जिला कोतवाली जब वे पहुंची तो किसी के उपस्थित नहीं होने पर उनकी शिकायत नहीं दर्ज की गई। तदुपरांत पीड़ित महिलाओं द्वारा जिला कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया गया और वहां पर ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने भी पीड़ित महिलाओं का सम्मान करते हुए उन्हें उनके अधिकार वापस दिलाने की बात कही। साथ ही शारदा स्व सहायता समूह के अध्यक्ष विनीता जोगी को जल्द ही जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई। काम करके मैं अपन खर्चा चलाता, मोला धोखा से बिना पूछे घर में दस्खत बिना मोट पैसा निकाले और ATM भी रखे है। हमें बहुत धोखा में घर में डांट खा था। मैं कितना पैसा दिए रहे आप? मैं 80,000 दे हूँ। लगातार के दिए थे? हाँ बस हम लोग सर, हाँ सुनो सर, के हम लोग घर में जाते हैं कि सर लोग घर में आए हैं करके, तो गंदे गंदे गाली भी देते कि हम नहीं पटाते, आप पटाओ करके, तो हम कहाँ से लाग दिए? पैसा तेरे को दिए है, मैडम को दिए है नीतू। हाँ करे हम तो करवाही कुछ नहीं होते, थाना में जाके बार बार जाके बैठा था हम, तो एक नाम से हम कलेक्टर ऑफिस आए। अब घर नहीं है, घर देख के हम नहीं दे है, घर वो है ना, पैसा देख के ले, घर नहीं हमारा, किराया से खुद किराया वाले हुए हैं उसके बारे में। हाँ ठगी का शिकार हुए हैं? हाँ ठगी का शिकार हूँ मैं, मेरा पति का बिना दस्तखत किए पैसा को निकलवा कर ले लिए हैं नीतू। कितना पैसा दिए थे? 55,000 दिए थे। हाँ बंधन का मेरा बेटा का दस्तखत नहीं हुआ था बंधन बैंक में, और तेल ले गए रही से चल मैं मोर पैसा देवे मालिश करे जात रही मैं है, तब पैसा निकलवावे तो पैसा दे हूँ कहीं मोल बोरे से, और 30,000 आशीर्वाद के ला मोर घर में जा जा के मोर लड़की नहीं दो कही, तब वो जा के यार 9 बजे रात के जा के मोर घर में ले रही से 30,000 मैं अपन खुद के निकलवात रहे, और बंधन बैंक के 50-60,000 है और आशीर्वाद के 50,000 हिसाब के है, हिसाब का और मैं मोर बेटा दस्तखत नहीं करी सर, मेरे दस्तखत करवा ले रही से हिसाब बंधन बैंक के। हाँ बंधन बैंक का नाम मेरा भी कौन किया सर के नाम लम नहीं जाना सर मैं है। हाँ बैंक वाले करवा रही से, बैंक वाले मेरे है ना तुरंत दस्तखत करवा रही चल मोर घर में, नहीं तो मोर संग ना तोर मोर संबंध टूट जाए मोर घर ले खुद वहाँ मैं मालिश करे लात रहे, तो मोला वहाँ ला रही से चल भौजी ऐसे कह के। हाँ और नहीं देते रहे पैसा ला, मोर इज्जत बचा मोर घर में मोर आदमी मन आवत है ऐसे कहीं को बोले रही से, मैं दे रही हूँ माँ आशीर्वाद के ला 30,000 ला। खुद मोर घर में ते नल करवा के तो जहाँ अपन कोनो में लेते हैं व्यवस्था कर ले ऐसे कही थी। बहरहाल भोली भाली महिलाओं को अपने झांसे में लेकर अध्यक्ष विनीता जोगी द्वारा 60 लाख से भी अधिक की धनराशि की उगाही कर जिले से
उड़नछू हो गई है। जिले की पुलिस महकमा भी इस केस को लेने से मुंह मोड़ती नजर आ रही है, परंतु जिले के कलेक्टर द्वारा महिलाओं को यह भरोसा भी दिया गया है कि संबंधित फर्जीवाड़े की जांच उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परंतु अब यह देखने वाली बात होगी कि साफ व स्वच्छ जांच किस प्रकार से और कब तक जिला कलेक्टर साहब द्वारा करवाया जाता है। सर, जो महिला लोग ठगी का शिकार हुए हैं उसके बारे में ठगी की शिकायत की कंप्लेंट मिली है और मैंने एसपी मुंगेली को निर्देशित किया है कि वो उसके प्रकरण को परीक्षण कर ले और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें वो करेंगे। मुंगेली से राजकुमार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।